ऑलराइट गाइस, तो आ गए हम नया अनबॉक्सिंग वीडियो लेके। तो गाइस बहुत सारी कमेंट आ रही थी मेरे चैनल पे कि आप 5000 के अंदर के कोई फ़ोन अच्छे से दिखाई कैसी पाई सुपरसेल ऐप से। तो गाइस आज मैं लेके आया हूँ अंडर 5000 के अंदर कुछ रिफर्बस स्मार्टफोन जिसका आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। जी हाँ गाइस, इस बॉक्स के अंदर है तीन स्मार्टफोन जो कि है सारे 5000 के अंदर। और गाइस तीन में से दो फ़ोन जो कि रहेगा हमारे एंड्रॉयड और एक फ़ोन है जो कि है आईफोन। और उस आईफोन का मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ, लेकिन गिव अवे की बात हम लास्ट में करेंगे, फिलहाल इसका करेंगे हम अनबॉक्सिंग। और गाइस देख सकते हैं बॉक्स का जो वजन है बहुत भारी भारी, क्योंकि इसको मैंने विथ बॉक्स के साथ ऑर्डर किया था, बॉक्स एंड एसेसरीज के साथ भी ऑर्डर किया था। और बता दूं चले कि इसके अंदर कौन से फ़ोन है। तो इसके अंदर दो फ़ोन जो कि है एंड्रॉयड और एक है आईफोन। तो जो दो फ़ोन है वो है रेडमी के, एक है रेडमी 9 पावर और एक है रेडमी 6 प्रो। दोनों ही फ़ोन 464 के वरेंट में मिलेंगे हमें 4GB रैम में, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों अलग अलग ग्रेड के, एक है ग्रेड बी का और एक है ग्रेड सी का। तो देखते हैं कि कौन से ग्रेड का सही कंडीशन आता है। और जो हमारा तीसरा फ़ोन है वो है आईफोन 6s जो कि हमने ऑर्डर किया था ग्रेड ई में। तो वो तो आईक्लाउड लॉक है नहीं है, वो सब कुछ हम लास्ट में देखेंगे अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो चलेगा इस बिना किसी विलंब को फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो। लेकिन अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है जय परमार और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिफर्बस आईफोन्स और एंड्रॉइड फोन्स की अनबॉक्सिंग वीडियो लाता रहता हूं मेरे इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं आईफोन का गिव अवे भी करता रहता हूं हर संडे को। तो उसके लिए आपको भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ही देना गाइस। और बता दूं कि अभी तो मैं लाया हूँ अंडर 5000 में स्मार्टफोन, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अंडर 3000 में, और नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी अंडर 2000, मतलब कि 2000 से अंदर रुपए का मैं स्मार्टफोन ऑर्डर करूँगा कैसी पाई सुपरसेल ऐप के से। और सोच रहा हूँ कि उन सभी फ़ोन का मैं गिव अवे कर दूँ। ओके तो चलिए गिव अवे के बाद हम लास्ट में ही करेंगे, फिलहाल करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि किस कंडीशन में ये सारे फ़ोन मिले हैं। तो चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट। तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा पार्सल है ये, पूरा मेरे कैमरे में आ भी नहीं रहा, लेकिन मेरा जो फ़ोन है नया S21 इस वजह से ये पूरा कैमरे में आ गया है। और गाइस बता दूं आपको भी कैसी भाई सुपरसेल ऐप से इस तरह से कोई सभी फ़ोन सीधा आपके होम एड्रेस पे ऑर्डर करवाना हो तो मेरा नंबर नीचे मेंशन है, आप सीधा मुझे कॉल कर लेना, आपको कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करके दूंगा मैं। और मेरा जो COD का चार्ज रहता है वो 220 रहता है एडवांस, आपको बताइए होगा। तो आ जाइए व्हाट्सअप पे और कॉल भी कर लीजिए मुझे। और बता दूं मैं सोच रहा हूँ कि ये दो जो फ़ोन है, वैसे एक तो मैं इधर मेरे गांव में सेल करने वाला हूँ और एक का तो मैंने बोला कि मैं गिव अवे कर दूंगा, लेकिन एक जो फ़ोन है जो एक्स्ट्रा मैंने ऐसे ही मंगवाया था तो उसको मैं सेल कर दूंगा अगर अच्छी कंडीशन रही। और किसी को चाहिए तो इस वीडियो को देख के लास्ट में मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा कि ये वाला फ़ोन मुझे चाहिए, तो मैं उनको सेल कर दूंगा इसी प्राइस में जो कि मुझे मिला है। ओके तो देखते हैं कि पहला फोन आखिर कौन सा रिसीव होता है। तीन फोन है इसमें से, तो पहला जो फोन आएगा उसको मैं बहुत चीप प्राइस में सेल कर दूंगा। नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस बोल रहा हूँ, पता नहीं ये क्या निकला इसके अंदर से। तो बबल रैप बहुत सारे और दो फोन। ओके गाइस, तो बॉक्स की कंडीशन देख सकते हैं, पहला फ़ोन हमें रेडमी 6 प्रो मिला है, तो चलिए इसको निकाल देते हैं। और दूसरा हमारा रेडमी 9 पावर, चलिए ये बहुत तगड़ा लग रहा है मुझे, रेडमी 9 पावर देख सकते हैं। तो चलिए बॉक्स की कंडीशन दोनों सही लग रहा है, तो दो फोन तो निकल गए, अभी तीसरा निकालते हैं। तो तीसरा हमारा आईफोन 6s देख सकते हैं। ओहो, ये मेरा अनफेवरेट कलर निकला है, सिल्वर है या फिर स्पेस ग्रे है, देखते हैं। ओके, तो स्पेस ग्रे कलर का फ़ोन निकला है आईफोन 6s, तो चलिए इसको भी रख देते हैं साइड पे। तीनों फ़ोन निकाल लिए, इसके अलावा देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और कुछ है या नहीं। नहीं है, बहुत सारे बबल रैप है देख सकते हैं, तो तकिया बनाने के लिए काम आएगा मेरे। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में बॉक्स को, और चलिए अभी सारे फ़ोन को स्टेप बाय स्टेप कंडीशन देखेंगे, पहले देखेंगे इसका बिल। तो वीडियो को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो चलेगा इस पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बिल कि आखिर कौन सा फोन किस ग्रेड में है। ओके, तो पहला हमारा है स्पेस ग्रे कलर का ग्रेड ई का आईफोन सेकंड एंड आईफोन 6s, जिसका प्राइस इधर आप देख सकते हैं कि ये हमें पड़ा था 2500 में, ये वाला जिसका मैं करने वाला हूँ गिव अवे। पहले देखते हैं कि इसका आईक्लाउड लॉक है या नहीं, सब कुछ लास्ट में देखते हैं, फिलहाल देखते हैं ये दो फ़ोन जो कि पहला हमारा फ़ोन है रेडमी 6 प्रो, यानी कि ये वाला रेडमी 6 प्रो ये वाला, और इसका प्राइस ये हमें पड़ा है 4136 रुपये में देख सकते हैं। ग्रेड बी का है, ब्लैक कलर में रिसीव हुआ है, तो चलिए कोई बात नहीं, ब्लैक कलर में ही देख लेंगे।
चलिए अभी देखते हैं तीसरा वाला फ़ोन। तीसरा वाला है ग्रेड सी का है। तो गाइस ग्रेड सी में हमें कोई एक डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो और हाँ बता दूं, अगर आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी मेरी, मैंने इसका ऑर्डर करते टाइम एक डिटेल वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं ऐसा हाईलाइट में बता देता हूँ कि ये ग्रेड सी का, जिसके अंदर मेंशन था कि जिसका जो बैक कैमरा रहेगा उसका इमेज बदला रहेगा, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या आता है। ओके तो ये है रेडमी 9 पावर, ये भी 464 का है और ये भी हमें पड़ा था 4121 का। तो देख सकते हैं सबसे महंगा फ़ोन हमारा ये वाला है। तो चले सबसे महंगे वाले फ़ोन का ही पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, रेडमी 6 प्रो जो कि है ग्रेड बी का। तो ग्रेड बी में हमें कोई डिफेक्ट देखने को नहीं मिलता, तो चले देखते हैं। ओके तो गाइस देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ इसका बहुत ही स्मूथली अनबॉक्सिंग और ये निकल गया हमारा रेडमी 6 प्रो। तो चलिए भाई 4000 रुपये का स्मार्टफोन कुछ ऐसा देखने को मिला। भाई बात करें इसका फ्रंट का कंडीशन तो बिल्कुल स्मूथ, और देख सकते हैं मेरी जो पसीने हैं वो सारे छप गए हैं, तो मुझे साफ़ करना पड़ेगा इसको पहले। तो हमारा फैब्रिक ये रहा, चलिए इसे साफ़ कर लेते हैं, बहुत मस्त साफ़ कर लेंगे। और स्टिकर वगैरह मैं हटा ही लूँगा क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न विटर्न नहीं करवाना, अगर डिफेक्ट निकला तो करवा लेंगे भाई रिपेयर, क्या दिक्कत है इसमें। रिटर्न में तो कैसी फाइव वाले बहुत देर लगा देते पैसे देने में, जैसा कि आपको बताओगे। और आपको रिटर्न पॉलिसी नहीं बता तो गाइस मेरे सेकंड चैनल चीज आर्मी सब चेक कर लेना, उस पर कैसी फाइव के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम का वीडियो मैंने बना दिया है। और गाइस बैग की कंडीशन की बात करें तो फिंगरप्रिंट और सब कुछ ओके है, कोई नहीं है। गाइस देख सकते कंडीशन की क्या बात करें तो मैं दूंगा वैसे फर्स्ट इंप्रेशन में 100 में से 95%। ग्रेड बी का है देख सकते हैं, मुझे लगा कि पीछे का बहुत सारा डेंट देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बाकी फिटिंग देख लेते हैं तो फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रेड बी का ये एक अच्छा पॉइंट है कि हमें कुछ दिक्कत देखने को नहीं मिलती ग्रेड बी में, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त कंडीशन का फ़ोन हमें देखने को मिल गया है रेडमी 6 प्रो। तो चलिए तो भाई फिजिकल कंडीशन की बात हो गई, अभी इसको ऑन करके देखते हैं कि भाई इसके अंदर का मसाला कैसा है, कोई डिफेक्ट है या नहीं। और फ़ोन ऑन तो हो नहीं रहा भाई, देख सकते हैं मैं पावर बटन को प्रेस कर रहा हूँ, सॉरी किया था नहीं थे बताइए नहीं किया था मैंने बस ऐसे ही। अरे यार मैं अभी क्या यार, चलिए अभी देखते हैं कि इसके अंदर और कुछ है या नहीं। ओके तो गाइस देख सकते हैं चार्जर और केबल दोनों हमें मिला है जैसा कि हमने ऑर्डर किया था विथ बॉक्स एंड एसेसरीज। तो केबल की कंडीशन मुझे लग रही है बहुत ही यूज़ किया गया ऐसा लग तो रहा है। और अडेप्टर की बात करें, ओके तो निकल भी नहीं रहा, अडेप्टर की कंडीशन ठीक ठाक ही है देख सकते हैं, ये Xiaomi का ही है ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल एसेसरीज हमें देखने को मिल जाती है अगर हम ऑर्डर करते हैं कैसी भाई से विथ बॉक्स एंड एसेसरीज में। तो चलिए इसका भी क्वालिटी हम लास्ट में चेक करेंगे, इसको रखते हैं साइड पे। और देख सकते हैं फ़ोन जो हमारा है वो बूट हो गया है, और अनलॉक करते हैं भाई इसको। ओके तो अनलॉक भी हो गया है और चलिए भाई सही लग रहा है मुझे फ़ोन, दिक्कत तो कोई नहीं आ रही रेडमी 6 प्रो। वैसे मैं बता दूँ इस फ़ोन को मैं ऑलरेडी पहले बहुत ही यूज़ कर चुका हूँ, मेरे पास पहले यही फ़ोन था, इसके अंदर मैं फ्री फायर बहुत खेला था, तो इसके अंदर भी हम फ्री फायर खेलेंगे। और गाइस फर्स्ट बात करें इसका डिस्प्ले, तो डिस्प्ले की क्वालिटी गाइस मुझे एक नंबर लगी, कोई दिक्कत नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं। और चले GPS ऑफ करते हैं और ब्राइटनेस वगैरह सब देख लेते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं लग रही मुझे पहले। तो कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, और कैमरा भी एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है देख सकते हैं, लाइक कर लीजिए वीडियो को। फ्रंट कैमरा भी चेक कर लेते हैं, तो फ्रंट कैमरा भी बहुत बढ़िया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और चले वीडियो भी टेस्ट कर लेते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए अनबॉक्सिंग आर्मी को सब्सक्राइब कीजिए। तो चले गाइस देखते हैं इसका माइक कैसा वर्क कर रहा है, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। जैसा कि देखा इसका माइक बहुत ही मस्त और स्पीकर क्वालिटी बहुत ही लाउडली है, मतलब कि फ़ोन एक नंबर मिला है ग्रेड बी का, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ओके। तो चलिए इसको अभी रख देते हैं फिर से बॉक्स में, और आते हमारे सेकंड वाले फ़ोन में, तो मुझे फिर से इसको पैक करना पड़ेगा गाइस, ऐसे ऊपर ऊपर कर देते हैं। डॉक्यूमेंट भी शायद है इसके अंदर, उसको देखे भी क्या करेंगे, चलिए रखते हैं साइड पर। तो चलिए यह था 4132 का ग्रेड बी का रेडमी 6 प्रो जो कि एकदम मस्त मिला है, इसको रखते हैं साइड पे। आते हैं हमारे सेकंड फ़ोन जो कि है रेडमी 9 पावर ग्रेड सी का। इसके अंदर मेंशन था कि बैक कैमरा डिफेक्टिव हो सकता है, तो चलिए वो देखते हैं, इसका भी मस्त अनबॉक्सिंग करेंगे। ओह गाइस देख सकते ग्रेड सी का है, तो शायद स्क्रैच वगैरह देखने को मिलेगा हमें। ओके गाइस तो देख सकते हैं मस्त, मतलब कि इसका डिज़ाइन बहुत ही मस्त है, रेडमी कौन सा यार बोल गया 9 पावर, इसके अंदर तगड़ा प्रोसेसर लगा होता था उस टाइम,
ओके गाइस, तो देख सकते हैं डेंट देखने को मिले हमें फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत सारे। बाकी स्क्रीन की कंडीशन की बात करें तो स्क्रीन तो बहुत ही मस्त है, थोड़ा सा अभी कर लेते हैं और हटा लेते हैं इसको स्टिकर को। चलिए अभी फ्रेम की कंडीशन देख लेते हैं, तो बॉडी टू बॉडी अगर हम देखें तो सब कुछ ओके है, देख सकते हैं स्पीकर ग्रिल में थोड़ा डस्ट शायद है और चार्जिंग पोर्ट भी थोड़ा सही लग रहा है, कुछ दिक्कत नहीं। चले बाकी ये बटन है, ये वॉल्यूम बटन, और कैमरे के ऊपर डेंट है। बाकी देख सकते हैं सुपर क्वाड कैमरा का हमें देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा हमें देखने को मिलता है इस फोन के अंदर, लेकिन मेंशन था कि बैक कैमरा वर्क नहीं करेगा, तो देख लेते हैं मतलब कि ब्लर था, तो कितना ब्लर आता है सब देख लेते हैं। ओके तो देख सकते हैं ये है ऊपर का कंडीशन कुछ ऐसा है, और इसके अंदर हमें ऑडियो जैक भी मिलता है तो अच्छी बात है, एडिटिंग के लिए मुझे फ़ोन अच्छा काम आएगा। तो चलिए इसको हम बूट करते हैं, देखते हैं अंदर का मसाला। वैसे ऊपर की कंडीशन की ग्रेड सी के मुताबिक अगर कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन हमें मिली है 99% ओके, क्योंकि ग्रेड सी में बताऊंगा आपको स्क्रैच वगैरह देखने को मिलता है। और गैस अगर ओके गैस, तो देख सकते हैं मैंने इसको बूट कर लिया है और MI का लोगो आ गया है। चलिए तो ये बूट हो तब तक हम बॉक्स में और क्या है वो देख लेते हैं। वैसे बता दूं गाइस, ये जो दो फ़ोन थे रेडमी और इसमें से मैंने एक फ़ोन का विथ ओनली बॉक्स ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे नज़र पड़ रही कि इसके अंदर हमें ओ हो चार्जर मिल गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ओरिजिनल MIUI का चार्जर जो कि बहुत महंगा आता है, और ओरिजिनल केबल भी उनका मिल गया है जो कि बहुत अच्छी बात है, टाइप सी का केबल जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, क्योंकि गाइस आपने शायद नहीं देखा वीडियो, वो देख लेना टीच अभी भी, मैं जब इसको ऑर्डर कर रहा था तो मैंने एक ही फ़ोन का एसेसरीज ऑर्डर किया था, लेकिन दोनों फ़ोन का मुझे एसेसरीज मिल गया है जो कि ये मेरा अच्छा लग था इस टाइम। तो देख सकते हैं ओरिजिनल मुझे मिल गया है, तो मुझे चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बिल तो बता नहीं ये क्या निकला है इसके अंदर से, स्मार्ट कैम ओके। तो गाइस देख सकते हैं ओरिजिनल बिल मिल रहा है मुझे इस फ़ोन का, इस रेडमी का रेडमी 9 पावर का ओरिजिनल मुझे बिल मिला है, देख सकते हैं जिसका ओरिजिनल प्राइस था इधर 10,990 रुपीज़, देख सकते हैं। तो चलिए भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी डील मिल गई, ओरिजिनल एसेसरीज मिल गई, कंडीशन भी ओके, और ये भी मिल गया ओरिजिनल बिल। तो चलिए लेकिन फ़ोन की अंदर की मसाला कैसा वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मैमसंग का कैमरा इसका ब्लर आएगा। तो चलिए सीधा कैमरा ही देखते हैं, फ़ोन हमारा बूट हो गया है, और डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो ओहो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं अच्छा निट्स का ब्राइटनेस हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अभी पहले देख लेते हैं इसका कैमरा कि वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। मेंशन तो था ब्लर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरा बिल्कुल ओके मिला है। तो इसी बात पे लाइक गाइस ठोक दीजिए, देख सकते हैं मस्त कैमरा मिल गया है। बाकी फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा भी बहुत ही ओके है, जैसा कि आप देख सकते हैं मस्त कैमरा मिला हमें, तो कैमरे में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भी थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो है गाइस, नेक्स्ट गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए अनबॉक्सिंग आर्मी को 10 लोगों को शेयर कर दीजिए। चलिए ये कुछ मैं ज़्यादा बोल गया शायद, क्योंकि कोई शेयर तो करता नहीं, बस देखता ही है। चलिए दुख दर्द पीड़ा और नेक्स्ट गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए अनबॉक्सिंग आर्मी को 10 लोगों को शेयर कर दीजिए। तो गाइस देखा आपने कि इसका माइक भी वर्क कर रहा है बहुत अच्छा, और स्पीकर भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और जैसा कि मेंशन था कि इसका कैमरा वर्क नहीं करेगा, मतलब कि बैक कैमरा ब्लर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कैमरा बहुत ही बढ़िया मिला है। बाकी इसका सेटिंग वगैरह मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसको हमने ऑर्डर किया था 64 GB के वेरिएंट में, जैसा कि देखते हैं 64 मिला है, और देख सकते हैं रेडमी 9 पावर मॉडल नेम है, तो सब कुछ ओके है। बाकी परफॉर्मेंस इसका अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक अच्छा तगड़ा प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके अंदर हम गेमिंग भी कर पाएंगे। तो गैस देख सकते हैं कितना ही मस्त फ़ोन है, क्या इसको मैं सेल कर दूँ या फिर गिवे कर दूँ? गैस कमेंट में बताइए कि इसको मैं सेल करूँ या फिर गिवे कर रख दूँ इस फ़ोन का। तो चलिए हमारे दोनों फ़ोन सक्सेस हुए, और इसका तो मुझे बहुत अच्छा डील मिल गया कि 4,100 रुपये में मुझे इसका ओरिजिनल चार्जर केबल और ओरिजिनल बॉक्स और ओरिजिनल बिल भी मिल गया, और फ़ोन की कंडीशन की बात करूँ तो मक्खन है एकदम मस्त, देख सकते हैं रेडमी ओके। तो इसको मैं कुछ 6,000 तक बेच दूँगा, मेरा प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा गाइस, मैं सब्सक्राइबर को ही दूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं कि गिवअवे, मतलब कि हैशटैग गिवअवे कमेंट कीजिए, और 100 कमेंट हो जाएगा हैशटैग गिवअवे का, तो मैं इन तीनों फ़ोन का गिवअवे कर दूंगा। चले गाइस इतना टारगेट मैं आज देता हूँ मेरी ऑडियंस को, मेरी अनबॉक्सिंग फैमिली को, तो देखते हैं कि भाई कि मेरी फैमिली मेरे लिए इतना करती है या नहीं करती। चले भाई इसको भी साइड पर रखते हैं अभी फिलहाल। तो चले अभी आते हैं लास्ट हमारा iPhone 6s का अनबॉक्सिंग। तो भाई ग्रेड ई का है, तो टूटा फूटा तो
होना चाहिए लेकिन नहीं है, क्योंकि ग्रेड ई में बताऊंगा आपको टूटा फूटा मिलता है, लेकिन गाइस देख सकते टूटा फूटा तो नहीं है, लेकिन ग्रेड ई में फ़ोन आईक्लाउड लॉक रहता है। तो चलिए वो देखते हैं कि भाई ये आईक्लाउड लॉक है या फिर स्क्रीन में कोई दिक्कत है क्या है। तो हो गया, फ़ोन तो बूट हो गया है, ग्रेड ई का 2500 रुपये का फ़ोन है गाइस, बिल भी दिखा देता हूँ, चलिए बूट होता है तब तक आपको एक बार फिर से। तो गाइस देख सकते प्राइस है 2554 रुपये और सेकंड हैंड आईफोन 6s 232 का है, ग्रेड ई का था, स्पेस ग्रे का था। ओके गाइस, ओह ये क्या हुआ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते फ़ोन पूरा ऑन मिला हमें, आई क्लाउड लॉक नहीं है, तो सरप्राइजिंग इतना कैसे हो सकता है। तो गाइस ज़्यादा मैं सरप्राइजिंग मतलब कि ऐसा एक्सपीरियंस नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बता ही था फ़ोन आई क्लाउड अनलॉक आने वाला है, और कैसे बता है वो अगर आपको जानना है तो आपको मेरे सेकंड चैनल टीच आर्मी देखना होगा, क्योंकि मैंने उस पर अपलोड कर दिया है इसका वीडियो। और गाइस देख सकते हैं आपके सामने ही फ़ोन पूरा फिर से स्विच ऑफ हो गया है, तो आई थिंक चार्ज करना पड़ेगा, बोल रहे हैं कि चार्ज पर लगाइए। तो चलिए गाइस इसका मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा मेरी सेकंड चैनल में, वो देखना, क्योंकि अभी मैं इसका चार्ज पे लगाऊंगा फिर इसका सब कुछ दिखाऊंगा, तो वीडियो लंबी बन जाएगी। तो चलिए फिलहाल आज के लिए बस इधर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इसका वीडियो अपलोड देखना है तो मेरे सेकंड चैनल टीच आर्मी चेक सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। और इन तीनों फोन का डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है कि मैंने इसको किस तरह से ऑर्डर किया था, तो वो भी मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा, आप जाके एक बार जरूर से देख लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।